हनुमान जी की तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में मंगल शनि पितृ दोष के प्रभाव कम रहते हैं और हर प्रकार के संकट से बचाव होता है। वास्तु में हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं, साथ ही यह भी बताया गया है घर में किस प्रकार की हनुमान जी की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। आइए इस संबंध में हम आपको अधिक जानकारी देते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से आपके घर से सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तो देखिए वास्तु के अनुसार घर में कैसी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वो शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह मंगल दोष दूर करता है। उत्तर मुखी हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, या फिर आप हनुमान जी की तस्वीर ऐसे लगाएं कि वह उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हों, वह उत्तरामुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए हो। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। बैठक रूम में जहां आपके घर मेहमान आकर बैठते हों वहां पर आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार घर में लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस बल विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखी भी होगी ऐसी तस्वीर जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल हैं। हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकट मोचन हनुमान का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं फटकता है। ऐसे हनुमान जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं, यह चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। यदि आप ऐसे हनुमान जी के चित्र लगाते हो तो आपसे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। आप सभी को यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे कैलाश के ब्लॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री बालाजी सरकार।